हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आप अपस्टॉक्स में अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो गाइस आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि आप उसे कैसे ओपन करा सकते हैं। गाइस हम देखेंगे बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में देखेंगे कि आप उसे कैसे ओपन करा सकते हैं। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना है अपस्टॉक्स में तो गाइस मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन होकर आ जाता है जहाँ ये कहता है साइन अप फॉर न्यू अकाउंट ब्लू। ठीक है गाइस, तो गाइस नया अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चाहिए होगा स्टार्टिंग के लिए। तो गाइस हम यहाँ अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है यहाँ ओटीपी आएगा और यहाँ पर उसे फिलअप करना है गाइस। ठीक है, तो जैसे ही ओटीपी आता है मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ। गाइस तो ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ ओटीपी डाल दिया, तो हम यहाँ साइन अप पर क्लिक करते हैं। गाइस साइन अप पर हमें क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये हमारी पर्सनल डिटेल के बारे में पूछेगा। चलिए आ जाते हैं। तो ये यहाँ ओपन होकर आ चुका है गाइस। यहाँ आपको ये कह रहा है डॉक्यूमेंट कीप टू हैंडी, तो आपको अपना पैन नंबर एंड आधार कार्ड तैयार रखना है। तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं गाइस। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है और पैन नंबर पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डाल देना है। चलिए डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ हमने डिटेल डाल दी है, तो डिटेल डालने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आगे की तरफ प्रोसेस करता है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ हम अपनी डिटेल डाल देते हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि व्हाट्स योर जेंडर, तो यहाँ आपको मेल कर देना है अगर मेल है, अगर फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं। एंड व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, सिंगल है तो सिंगल, अदरवाइज मैरिड। ठीक है गाइज़, जो जो पूछा जाता है व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, तो आपकी सालाना इनकम क्या है, अगर 1 लाख से कम है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 1 से 5 लाख है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 5 से 10 लाख में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो हम 5 से 10 लाख में सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, लेस देन 1 ईयर है, 1 से 2 साल है, 2 से 5 साल है, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, एंड आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, यस और नो, तो अगर आपका कोई संबंध है तो आप यस कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकली हैं, तो अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए गाइज। एंड व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर, जो भी आपका हो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, एंड गाइज यहाँ योर फादर नेम एज पर योर पैन कार्ड, तो यहाँ आपको अपना फादर नेम डाल देना है, जो भी आपके फादर का नेम है एज पर पैन नंबर। ठीक है, तो गाइज उस हिसाब से यहाँ डाल देना है। फिर गाइज आपसे पूछा जाए इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, तो यस अगर आप इंडिया में टैक्स देते हैं तो आप यस कर दीजिए। ठीक है, यस करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ डिक्लेरेशन देना है आपको, ये पढ़ के या तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आई एस एफ एंड आई डिक्लेरेशन पर क्लिक करके और दोनों तरफ आपको यहाँ टिक होना चाहिए गाइज। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन लिख किया जाएगा विद योर नेम। ठीक है, दिस इज योर चांस टू विन ए फ्री स्टॉक। ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड टर्म्स कंडीशन, यस आई वॉन्ट ए फ्री स्टॉक, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो इस उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए गाइस, तो डिजिटल सिग्नेचर जो भी आपके यहाँ हो आप यहाँ साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ साइन कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ मैंने साइन करके यहाँ नेक्स्ट कर देना है, तो नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस करेगा। ठीक है गाइस, बस स्टेप बाय स्टेप जो जो ये आपसे क्वेश्चन पूछे वो आपको करते जाना है। तो गाइस इस स्टेप से यहाँ आगे आ चुका है। यहाँ आपसे पूछ रहा है आधार लिंक है क्या आपके मोबाइल नंबर से, अगर गाइस लिंक है तो आप यहां से कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक, या आपके पास अदर ऑप्शन अगर लिंक नहीं है तो आधार नॉट लिंक टू मोबाइल नंबर, तो आप प्रोसीड विद मैनुअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार वाला है तो हम आधार वाले से करके देखते हैं क्योंकि हमारा लिंक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं गाइस। तो अब ये यहाँ आपसे आपके एंटर आधार नंबर टू कंटिन्यू विद डिजी लॉकर, तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल देना गाइस। ठीक है गाइस, तो हम अपना आधार नंबर डाल के यहाँ नेक्स्ट कर दे तो नेक्स्ट कर देते हैं गाइस। तो गाइज ये हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो भी आधार से लिंक है, तो वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। तो गाइज यहाँ मैसेज आ चुका है, यहाँ मैसेज आने के बाद मैं यहाँ आपको यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ कंटिन्यू कर देना है। गाइज ये प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ कंटिन्यू करके ये आगे वाले स्टेप पे हमें ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब अलाउ कर देना गाइज, जो भी ये पूछ रहा है यहाँ हम अलाउ कर देते हैं। तो गाइज अब ये कह रहा है अब नेक्स्ट वी विल आस्क फॉर कैमरा एसेस फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप गाइज आपको फोटो इसमें क्लिक करनी होगी आपको, तो आप तैयार रहिए, फ्रंट कैमरा आपको ओपन हो जाएगा नेक्स्ट करने के बाद। तो गाइज इस तरीके से आपको फोटो कैप्चर कर लेना है एंड एक्सेप्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं गाइज। तो मैं यहाँ एक्सेप्ट कर देता हूँ।
गाइज अगर आपकी फोटो साफ नहीं आई तो आप यहाँ रीटेक फोटो पर क्लिक करके दोबारा से फोटो ले सकते हैं। अगर आपका सही है तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कर देते हैं गाइज। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको बैंक डिटेल डालनी होगी, ठीक है गाइज। तो हम यहाँ अपना अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देते हैं। एंड आपको सेविंग एंड करंट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है गाइज। गाइज फिर आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आएगा कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ आपको वेरीफाई करना है, यहाँ जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर उन्होंने एक ओटीपी भेजा है, यहाँ आपको ओटीपी डालना होगा, ठीक है। तो गेट ओटीपी हम क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ ओटीपी आया, तो यहाँ आपको ओटीपी डालना है मेल पे जो है। गाइस ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। गाइस ये नेक्स्ट हो चुका है, ठीक है। अब लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर चल रहा है गाइस, तो ये 199 में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। और कभी गाइज ये फ्री भी होता है, कभी 199, कभी 250, इस तरीके से इसमें ऑफर चलते रहते हैं। तो 199 दिख रहा है तो हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं गाइज, ठीक है। तो अब यहाँ आपको पे करना है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं इसमें, तो ये टोटल 234 रुपये आपके बैठ रहे हैं। तो गाइज आपको यहाँ प्रोसीड करना है, अपने मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे तो ये ऑप्शन कई सारे आ जाएंगे जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। यहाँ गाइज आपको पेमेंट कर देना है, पेमेंट आप UPI के थ्रू या जिस भी तरीके से कार्ड पेमेंट करनी है या नेट बैंकिंग करना है, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं, उसके बाद आते हैं गाइज ये जो टोटल अमाउंट दिख रहा है इस पर GST लगा करेगा, ठीक है। हेलो गाइज, पेमेंट करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्टिवेट दिस सेगमेंट, मतलब आप सारे सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि आपको F&O भी एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ यस वाले पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा है वुड यू लाइक टू एक्टिवेट योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट, वेल तो नो आई विल डू इट लेटर करके आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं गाइज हम। तो गाइज इफ़ योर मोबाइल नंबर एंड आधार आर लिंक यू विल रिसीव एन OTP, तो आपसे यहाँ ई साइन किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोडिंग कर रहा है, ये सारे ही डॉक्यूमेंट को ई साइन करेगा। तो गाइज थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन ई साइन नाउ, तो ई साइन नाउ पे आपको क्लिक करना है गाइज। ई साइन नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है गाइज। ये प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ इस टाइप से NSDL की साइट यहाँ ओपन होकर आ जाएगी गाइज, ठीक है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए गाइज हमें सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और OTP आएगा फिर हम उसे डालेंगे। तो गाइज ये हमने OTP यहाँ डाल दिया है, OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP करेंगे गाइज। तो वेरीफाई OTP ये चल रहा है, तो यहाँ आपका OTP वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे करके आपके यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ आपका ओपन होकर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज ये मेरा मैसेज आ चुका है, यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड अगर आपको करने हैं डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। ये 3 डेज लेगा आपको, अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा, ठीक है गाइज। और यहाँ जो भी प्रोसेस चलेगा स्क्रूटनी चलेगी इन प्रोसेस, अकाउंट एक्टिवेशन लॉगिन डिटेल आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएंगे गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं गाइज। लॉगिन डिटेल मिलने के बाद आपको लॉगिन कैसे करना है मैं उसकी एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। एंड गाइज अगर आपको F&O एक्टिवेट करना है तो गाइज वहाँ आप अपना F&O वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है, अगर आपको बाद में कैसे एक्टिवेट कराना है तो वो भी हम आगे देख लेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और गाइज हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।